खीर का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में। आज हम जा रहे बनाने मीठी मीठी खीर, तो चलिए शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया। दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। अगर आप चाहे तो दूध कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने बासमती चावल लिया है। चावल हमने 150 ग्राम यूज़ किया है। साथ ही साथ हमने 150 ग्राम चीनी भी यूज़ किया। हमने चीनी मोटे वाले लिया है, आप चाहो तो पतले वाले भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हमने थोड़े से नारियल लिया है, साथ ही हमने थोड़े से किशमिश लिया है और साथ ही इलायची लिया। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप लोग इलायची ज़रूर लीजिएगा। तो ये देखिए, दूध हमारा बॉईल हो रहा है। इसके बाद हम चावल को अच्छी तरीके से धो लेंगे। ये स्पेशल खीर वाला चावल है, तो आप लोग भी यही लीजिएगा। तो देखिए, दूध हमारा बॉईल हो चुका है। इसके बाद हम सबको डाल देंगे। इसमें हम चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अभी ऐड नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से उबालेंगे। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद कितने अच्छी तरह से चावल अच्छी तरीके से सींच गया है, यानी कि पक गया है। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया था उसको डाल देंगे। इसके बाद जो चीनी लिया था चीनी को भी डाल देंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम मिला लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी खीर लग रही है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद जो इलायची लिया था उसको ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी खीर बनकर रेडी हो गई। तो चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए, हमारे गर्मा गर्म मीठी मीठी खीर बनकर रेडी हो, कितनी अच्छी लग रही है ना। हमने कितने जल्दी कितने आसानी से बना लिया। खीर बनाने में कोई दिक्कत कोई झंझट नहीं है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी।